Assalamualaikum. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil kareem. Amma ba'du, fa'udhu billahi minash shaytanir rajeem. بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं आप लोग। हाँ, वैसे तो ये लॉकडाउन में भी ऐसा मजमा देखने को नहीं मिलता है। हाँ, लेकिन लॉकडाउन का असर सब पर हुआ है। अरे, हमारे और आप पर ही नहीं, सब पर हुआ है। लेकिन खाने पीने में हुआ, कमाई में है, पैसा में, ये सब में लॉकडाउन लगा है, उसमें असर ज़्यादा हुआ। मुँह में कोई ज़्यादा असर नहीं, बोलिए ना, मुंह में ना एक जगह पर ऐसे बोल दिए हाँ कि भैया मुंह में तो लॉकडाउन नहीं है। बोला मौलाना साहब, मुंह में तो असल लॉकडाउन है। बोले कैसे? बोला कि देख नहीं रहे, उसको लगाना पड़ता। क्या कहते हैं उसको? अरे जोर से बोले, क्या लगाना पड़ता? हाँ, मास्क लगाना पड़ रहा। हम बोले ये क्या? बोला देखिए मैं लगाया हूँ। वो लगाया था साहब, मैं लगाया नहीं था। बोला कि ये देखिए हम लगाए मास्क होता है। बोले इसको काहे को लगाए हैं? जवाब दिया कि एक बीमारी है, वायरस है। वो वायरस जो है डायरेक्ट इंसान के जिस्म में पहले तीन जगह पर हमला करती है। हम बोले वो जगह कौन कौन सी है? तो जवाब दिया कि ये हाथ, हाथ की ये हथेली पे और मुंह पे और नाक, ये तीन चीज़ों पर ये वायरस, ये बीमारी हमला करती है। हम बोले बाजू पे? बोला नहीं। हम बोले छाती पे? बोला नहीं। हम बोले पैर पे? बोला नहीं। ये हथेली पे है और मुंह पे है, नाक पे है। हम बोले मुंह में? बोला हाँ, नाक में। हाँ, ये बीमारी मुंह में घुस जाती है, नाक में घुस जाती है। हम बोले कान में? बोला नहीं। हम कहते हमको अब समझ में आया कि दरवाजे में जाती है बीमारी या खिड़की में भैनी लीटर को छोड़ देती है। बीमारी भैनी लीटर में नहीं घुस रही है, सिर्फ ये दरवाजे की तरफ से गई, नाक की तरफ से गई। चलो ये बीमारी चली गई, उसके बाद क्या होगा? भला कि ये बीमारी जब अंदर जाती है तो ये गले में तीन चार दिन घूमती है। हम बोले कौन वो शहर है, कौन चौक चौराहा जो यहाँ जाकर के वो बीमारी घूमती है? बोला तीन दिन तक वहाँ तीन रहते, तीन दिन वो जगह पे हालत में रहती, यहाँ पे वो बीमारी रहती है। फिर तीन दिन के अंदर अगर उसका इलाज ना कराया जाए तो वो डायरेक्ट फिर गोदाम में जाए। फिर गोदाम के बाद, बोला गोदाम के बाद 14 से 28 दिन तक गुजरिए, गोदाम के बाद उस आदमी का काम तमाम हो। बोले बचना कैसे? जवाब दिया कि ये मास्क लगा। बोले कब तक लगाएगा बाबू? कब कब? बोले हर बार। हम बोले खाएगा तब कैसे रे? खाएगा तो मास्क खोलना पड़ेगा। बोला हाँ। हम बोले जब खाएगा मास्क खोलना पड़ेगा तो बीमारी वो तो अगर खाने के वक्त में अगर लुकमा के साथ चला गई वो बीमारी अंदर चली गई तो बोले फिर इलाज कराना होगा। हम बोले इस मास्क पर हमें भरोसा उतना नहीं है, हमें उसके ऊपर भरोसा नहीं है। अरे मेरे पैगंबर जनाबे अहमद मुस्तफा, मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वालिहि वसल्लम को पता था, मेरे मुस्तफा जानते थे एक जमाना आएगा, जमाने की आखिरी कड़ी होगी, उस वक्त में एक वायरस फैलेगी, एक बीमारी फैलेगी, जिस बीमारी का असर हथेली पे दिखाया जाएगा, जिस बीमारी का असर नाक नाक के नथने में दिखाया जाएगा, जिस बीमारी का असर मुंह में और हलक में दिखाया जाएगा। मेरे मुस्तफा को 1500 साल पहले पता था, नबी ने फरमा दिया है वो बीमारी आएगी। ये मेरे उम्मतियों, तुम इन बीमारियों से घबराना नहीं। आज तुम मास्क के जरिए से उसे बचना चाहते हो, मेरे पैगंबर ने बचने का तरीका 1400 साल पहले बता दिया। उसने कहा मौलाना साहब, मेरे पैगंबर ने क्या बताया है? मैंने कहा बताओ, हथेली पे अगर
अगर वो बीमारी छू जाए, वो वायरस लग जाए तो बचोगे कैसे? उसने जवाब दिया, बचने का तरीका ये है कि दिन भर में 5 मर्तबा 7 मर्तबा 10 मर्तबा 15 मर्तबा धो। मैंने कहा था ये मेरे पैगंबर ने कहा था, जब फजर की वजू करो तो सबसे पहले 3 मर्तबा घंटों तक हाथ धो लेना, जोहर का वजू करो तो घंटों तक 3 मर्तबा हाथ धो लेना, असर का वजू करो तो वजू से पहले पूरे वजू के अर्कान हाथ अदा करने से पहले तुम अपने दोनों हाथ की हथेली को घंटों तक 3 मर्तबा धोना। अगर हम तुम कहते हो ये दुनिया वालों कि दिन भर में 5 मर्तबा 7 मर्तबा हथेली को धोना है, मेरे नबी को 1400 साल पहले था अपनी उम्मत और अपने दीवानों के बचाने का तरीका बता दिया कि दिन भर में 5 मर्तबा नमाज पढ़ो और 5 वक्तों में जब तुम वजू करोगे हर वक्त में 3 मर्तबा हथेली धोना है, 15 मर्तबा होगा तुम वजू करते चले जाओगे बीमारी भागी चली। माशाल्लाह ये आप लोगों की मोहब्बत है। बोले मौलाना साहब आए चलिए, और अगर मुंह में घुस जाए तो? मैंने कहा मेरे कुरान में आता है, अल्लाह इरशाद फरमाता है, इज़ा कुंतु इला सलात फ़ग़सिलु वजूहकुम वअयदियकुम इलल मराफ़िक वामसहु बिरउसिकुम वअर्जुलकुम इलल काअबैन। ये मेरे आका ने ऐलान कर दिया कि खुदा फरमाता है, अल्लाह फरमाता है, बंदो जब तुम नमाज पढ़ने का इरादा करो तो पहले वजू करो। वजू कैसे करना? वजू करना जानते हैं कि नहीं जानते? अरे बोले वजू करना जानते हैं, ये सब तो जानते हैं। हाँ वजू, वजू करो। वजू कैसे करना? कुरान में आता इदा कुंतु मिला सला फागसिलु वजूहकुम, पहले अपने चेहरे को धो, पहले अपने चेहरे को धो। वाईदियकुम इलल मराफिक, और अपने हाथ को केहनियों समेत धो। वामसहु बिरउसिकुम, फिर सर का मसा करो। वअर्जुलकुम इलल काअबैन, और दोनों पांव टखनों तक धो। कुल्ली करने आया ये बोलिए, वाग्सिलु वजूहकुम, अपने चेहरा को धो। कुरान में तो है नहीं कि कुल्ली करो, ये बोलिए है हमारा तशरीफ रखते हैं। कुरान में ये नहीं कहा वजू करने बैठो तो कुल्ली करो, हथेली पहने दो नहीं, वाग्सिलु वजूहकुम, अपने चेहरे को धो। मैंने भी तो पता था ये बीमारी आएगी, मैंने कहा जब मुंह में घुस जाए, आका ने फरमाया वजू करने बैठो तो कुल्ली करो। कुल्ली करो, अगर वो बीमारी मुंह के अंदर ही में है तो कुल्ली करने के बाद में धोवा एक बार, धोता के बाद अब बोला हजरत अगर हलक में चल जाए तो? बोले तो मेरे नबी ने फरमाया गरगरा करो, गरगरा करो, और अगर कहीं महीन ज्यादा फेबी की तरह वो चिपक गया है तो ये लो 3 अंगुली और उसको लगाई दो। हजरत अगर नाक में चले जाए तब पानी चढ़ाए नहीं निकला तब? मेरे नबी ने फरमाया पहलवान को ले लो और उसको अमली कर दो। अमली करने से बोले बोले लोग जगह कोई छोड़ के भाग गए। तो ये बीमारी कौन कैसी मूली है? मेरे मुस्तफा जानते थे कि मैं अपनी उम्मत को, मैं अपने गुलामों को बीमारी से बचाऊंगा। आका ने फरमाया रब कहता है चेहरा को धो, लेकिन नबी देख रहे थे कि मेरे गुलाम अपने गुलामों को मुझे बचाना है। कहा मेरे उम्मतियों जब वजू करने के लिए बैठो तो चेहरा भी धो, लेकिन उससे पहले तुम कुल्ली भी करना, नाक में पानी भी चढ़ाना, नाक को झाड़ लेना, सुन्नत मुस्तफा अदा कर लेना, दुनिया की तबाही से तुझे चला रहा है सब।
नारा लगा खेलो चलेगा यार, खेल खा के टाइम पास करो पता चलेगा वही वक्त में देखा जाएगा। समझाया जाए कि चचा उम्र ज्यादा हो गई, नमाज पढ़िए समझने की कोशिश करो। कुदरत ने बहुत अच्छी खिताब रखी है, जलसा प्रोग्राम महफिल एहतमाम जो आपने किया और करते रहते हैं, सीखने की कोशिश करो, सीखना चाहिए, समझना चाहिए, इल्म हासिल करना चाहिए।